बीजेपी पै कांग्रेस नेतलु तीव्र आरोपणलु चेशारु। कांग्रेस अग्रनेत राहुल गांधी हत्यकु बीजेपी कुट्र चेस्तोंदंटू आरोपिंचारु। बीजेपी नेतलु बहिरंगंगा बेदिरिस्तुन्नारनी, वारि नुंचि तम नायकुडिकि प्राणहानि उंदंटू पोलीसुलकु फिर्यादु चेशारु। ఈ మేరకు తుగ్లక్ రోడ్ పిఎస్ లో తమ ఫిర్యాదును అందజేసినట్లు కాంగ్రెస్ నేత అజయ్ మాకెన్ తెలిపారు। అలాగే ఫిర్యాదు కాపీని ఎలక్షన్ కమిటీకి కూడా పంపించినట్లుగా చెప్పారు ఆయన। బీజేపీ నేత తర్వీందర్ సింగ్ మార్వా బహిరంగంగానే రాహుల్ గాంధీని హతమారుస్తామంటూ ప్రకటనలు చేశారని, రాహుల్ బుద్ధి మార్చుకోలేదంటే మీ నానమ్మకు పట్టిన గతే నీకు కూడా పడుతుంది అంటూ ఓపెన్ గానే డెత్ థ్రెట్స్ ఇచ్చారన్నారు। ఇక మహారాష్ట్రలోని షిండే శివసేన పార్టీ ఎమ్మెల్యే సంజయ్ గైక్వాడ్ కూడా ఇలాంటి వ్యాఖ్యలు చేశారని, రాహుల్ గాంధీ నాలుక కట్ చేసి తెచ్చిన వారికి 11 లక్షల బహుమానం ఇస్తామంటూ వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేశారని వెల్లడించారు। యూపీకి చెందిన మరో నేత రాహుల్ గాంధీని దేశంలోనే నెంబర్ 1 టెర్రరిస్ట్ అంటూ వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేశారని గుర్తు చేశారు అజయ్ మాకెన్। दो तीन दिन के बाद में भारतीय जनता पार्टी के ही सहयोगी दल ने, उसके एक नेता ने, विधायक ने यह कह दिया कि राहुल गांधी जी की जो जुबान काट करके लाएगा उसको 11 लाख रुपए मिलेंगे। क्या यह राजनीति है? आपको जिसकी बात पसंद नहीं, आपको जिसकी आवाज पसंद नहीं, आपको इसलिए उसकी बात पसंद नहीं, इसलिए उसकी आवाज पसंद नहीं क्योंकि वो अकलियत की बात करते हैं, माइनॉरिटीज की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, पिछड़े वर्गों की बात करते हैं, मजदूरों की बात करते हैं, संविधान को बचाने की मांग करते हैं, इसलिए आप कहते हैं कि उनकी जुबान काट लेगा जो उसको 11 लाख मिलेंगे। आपको उसकी आवाज, उसकी बात पसंद नहीं, इसलिए आप कहते हैं कि तुम्हारा भी वही हाल होगा उसी तरीके से जो तुम्हारी दादी का हुआ था। मैं एक चीज बता देना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी को, ये कांग्रेस पार्टी है और ये राहुल गांधी है, जान से मारने की धमकी से हम लोग किसी भी तरीके से डरने वाले नहीं हैं। यहाँ पे कांग्रेस के लाखों करोड़ों कार्यकर्ता तैयार हैं अपनी छाती आगे करके, जान से मारना है हमें मारिए, लेकिन हमारे नेता की आवाज कभी बंद नहीं होगी, हमारे नेता कभी चुप नहीं होंगे। इसी प्रकार से हमारे नेता दलितों के, पिछड़े वर्गों के, अकलियतों के और कुचले वर्गों के, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए इन सबकी आवाज हमारे नेता उठाते रहेंगे, ये आज हम कहना चाहते हैं। और सरकार को भी ये कहना चाहते हैं कि वो संभल जाए, अपने लोगों को संभाले, अपने लोगों को बचाएं, उनको बताएं। और ये कोई एक जगह दो जगह नहीं है, जो व्यक्ति इनको पसंद नहीं आता उसको ये खट से, उसको कहते हैं कि ये आतंकवादी है, उसको आतंकवादी ब्रांड कर देते हैं। एक मंत्री भारत सरकार का, इसलिए उनको राहुल गांधी जी को आतंकवादी ब्रांड कर दे क्योंकि जो राहुल गांधी बोल रहे हैं वो उनको पसंद नहीं। तो ये कहां की राजनीति है? एक नेता कह दे कि इनको मार दिया जाए जान से, इनकी जुबान काट ली जाए क्योंकि उनकी बात उनको पसंद नहीं आ रही, तो इसलिए आज हम लोगों ने यहाँ पे पुलिस कंप्लेंट करी है कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करी जाए। आज सरे चौराहे पे बीच में पब्लिक मीटिंग के अंदर अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि इनका वही हाल होगा जो इनकी दादी का है, मैं समझता हूँ कि इससे ज्यादा बड़ा सीधे के सीधे जान से मारने की धमकी कानूनन तौर के ऊपर नहीं हो सकती। इसलिए हम पुलिस को कह रहे हैं कि इस पे कार्रवाई होनी चाहिए और